हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग GIP यानी गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का जो है BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो GIP के BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ कि GIPE का जो BSc का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका जो रिजल्ट है वो आप कैसे चेक करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है GEPE के लिए से रिलेटेड। GIPE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आती हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसिलिंग और जो भी है एडमिशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सारे चीज़ों के अलावा बात सिर्फ आज रिजल्ट चेक करने की नहीं है, बात है अगले जो 3 साल आप पढ़ाई करने वाले हैं वहाँ पे। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके 6 सेमेस्टर्स होंगे, 6 बार एडमिट कार्ड आएंगे, 6 रिजल्ट आएंगे, आपके नए टीचर्स कौन आ रहे हैं, नए कॉलेज में इवेंट्स क्या हो रहे हैं, कॉलेज में नया कुछ क्या है, वैकेशंस कब होने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल्स कब होने वाले हैं, वाइवास कब होने वाले हैं, आपके नए HOD कौन है, टीचर्स कौन है नए, आपके कब इंडस्ट्रियल विजिट्स होने वाले हैं, कोई गेस्ट लेक्चर आने वाला है क्या, आपके प्रिंसिपल ने नई गाइडलाइंस क्या जारी की हैं, आपके नए ड्रेस कोड के बारे में कुछ बताया गया है क्या, आपके वेकेशंस कब होने वाले हैं, एग्जामिनेशन के स्केड्यूल कब हैं, टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, उसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं छोटी से छोटी और बड़ी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से चेक करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, जिससे आपको सारी जो भी अपडेट्स हैं GIPE से रिलेटेड वो सब कुछ आपको मिलती रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है GIPE BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020। ध्यान से GIPE BSc एंट्रेंस एग्जाम 2020 और उसके आगे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उसे लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां GIPE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सिर्फ और सिर्फ इसी पर आती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप IAS पेपर लिखेंगे ही लिखेंगे, इसे सर्च करेंगे तो जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं GIPE BSc एंट्रेंस एग्जाम एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं GIPE BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है IASPaper.net। दो चीज़ें चाहिए थी, दोनों चीज़ें हम लोग के पास हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे और नए विंडो में जाएंगे आप। इसे मैं जूम कर देता हूँ 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GIPE BSc एंट्रेंस एग्जाम 2020 रिजल्ट डिक्लेयर, यानी जो है GIPE का यानी गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का जो है रिजल्ट BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का निकल चुका है, डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, अपना फुल नाम, आपका ईमेल ID, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र पर क्लिक करूँ, आप कहीं और के हो सकते हैं, आप माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र के कहाँ से हैं तो मैं महाराष्ट्र के भंडारा का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने ज़िले या शहर का नाम लिखना पड़ेगा। अगर मेरे केस की बात करें तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, गांव में रहता हूँ, काफ़ी दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का इंटरनेट का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोज़ दे सकूँ। तो मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाएं। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं साइंस में तो BSc पे सेलेक्ट करना है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी 12th सेलेक्ट करनी है। उसके बाद गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप GIPE BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करेंगे गेट फ्री काउंसलिंग पे, उसके बाद क्या होगा, GIPE BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलती रहेंगी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। अब जब बोला जाता है ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर नहीं चाहते हैं तो मत लीजिए। अगर यू वांट टू टेक देन यू कैन टेक, और यू डोंट वांट टू टेक देन यू डोंट वांट टू टेक, दैट्स सिंपल। ऑलराइट, बट इसमें क्या होता है, आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन। जहाँ पे क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन, ये तीनों चीज़ें होती हैं, आप स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने सोच विचार विमर्श से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, जिससे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से ऑफर्स आने लगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GIPE BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 रिजल्ट डिक्लेयर्ड, यानी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, ओके, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट। उससे पहले बता दूँ आपको कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है।
तो बात करेंगे कि देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैनेट यूनिवर्सिटी, मानवरचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और जीडीगढ़ का। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। इन यूनिवर्सिटीज़ में खासियत ये है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, और उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आप GIPE में पढ़ रहे हैं, ओके, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, फिर किसी भी रीजनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, पुणे के या फिर महाराष्ट्र के या फिर कहीं के भी, तो कहाँ के बच्चे आएंगे, उस ज़िले के आएंगे, उस लोकेलिटी के आएंगे, उस तालुके के आएंगे यानी उस तहसील के आएंगे, और कहाँ के आएंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे पूरे देश के हर राज्य के करीबन करीबन बच्चे आते हैं, सिर्फ हर राज्य के नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो क्या होता है ना, वो मेंटल एक्सपोजर मिलता है आपको, वो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, वो जब प्लेसमेंट 100% मिलता है तो मिलता है ही, उसके बाद जब आप दूसरे बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपके पास एक्सचेंज करने का मौका होता है, आप कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, क्वालिटी एक्सचेंज करते हैं, लैंग्वेज एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, टैलेंट एक्सचेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक दूसरे से बच्चे जब मिलते जुलते हैं दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों से, तो आपका माइंडसेट ओपन हो जाता है, आपको मालूम चलता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में, इसमें से किसी ना किसी में ज़रूर फॉर्म भर लें। अगर आप पुणे के हैं तो मैं आपको डेफिनेटली MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, 100% प्लेसमेंट रेट, एकदम सही यूनिवर्सिटी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GIPE BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैज़ बिन रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब में जाएंगे, तो यहाँ पे आप BSc इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है ये रिजल्ट आ गया है। इसमें 7 पेज का रिजल्ट है, इसमें सारे बच्चों का नाम है, जो रिजल्ट है वो 2020 से 2023 के बैच के लिए है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंक है, यहाँ पे फॉर्म नंबर है, यहाँ पे फुल नाम है, यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे कैटेगरी है, और यहाँ पे विश टू अप्लाई एंटर, किस में अप्लाई किया है आपने उसके लिए है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे टोटल हैं, 7 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, आप उसे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, किस कैटेगरी में है आप, कौन सा का आपका जेंडर है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे हर एक चीज़ उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर लें, या फिर आपको मैंने जैसा बताया आप उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे स्टूडेंट्स का नाम है, जिन बच्चों का भी नाम है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।